हाय, दिस इज ब्रजेश शर्मा फ्रॉम मोक्ष। आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है आज का MBBS इन इजिप्ट। सो जो लोग इजिप्ट से MBBS करने के बारे में सोच रहे हैं, ये टॉपिक जो है ये वीडियो उनके लिए है, राइट। सो MBBS इन इजिप्ट है क्या, कैसे होता है? अगर हम बात करें तो इजिप्ट के अंदर टोटल मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 44 मेडिकल कॉलेज है इजिप्ट के अंदर, देखा जा सकता है। डब्ल्यू डॉम्स को आप रेफर कर सकते हैं, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेड स्कूल, जो कि एक रेफरेंस पॉइंट है किसी मेडिकल कॉलेज के लिए, राइट। डिग्री क्या देते हैं वो लोग? दे कॉल देयर डिग्री इज MBBCH। क्या लग रहा है इसमें फर्क? CH कुछ नहीं है, ये MBBS ही है। ये सर्जरी का लैटिन पार्ट है, तो डिग्री सेम है MBBS। ड्यूरेशन है इनकी, कहीं आप पढ़ेंगे 5+1, कहीं पढ़ेंगे 5+2। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ये 5+1 है या 5+2 है, हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, राइट। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? अंग्रेजी में पढ़ोगे, ऑल जो भी ड्यूरेशन है ये 5 साल सारा अंग्रेजी में पढ़ाई होगा। लैंग्वेज बोली जाती है अरेबिक, राइट। अरेबिक लैंग्वेज है उन लोगों की और करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। ओके, सो ये होगी सारी वो बेसिक चीजें जो कि आप हर जगह पढ़ते हैं सुनते हैं। नाउ ये क्या है फर्क 1 और 2 का? क्या है, आप जितने भी पेजी देखेंगे, जितने सारे ब्लॉग देखेंगे, वहां पर बोलते हैं 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, कहीं बोलेंगे 2 ईयर्स ऑफ इंटर्नशिप। ओके, तो फर्क इतना है। अगर आप देखें इजिप्ट के अंदर जो उनकी जो बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है मेडिकल एजुकेशन के लिए, जैसे हमारे यहां NMC है, उनके यहां जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है इजिप्शियन हेल्थ काउंसिल, EHC, ठीक है। तो इजिप्शियन हेल्थ काउंसिल है, उन्हें क्या बोला हुआ है? उन्होंने बोला हुआ है कि यदि कोई भी बच्चा 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो जो भी स्टूडेंट है वो वहां का लाइसेंसिंग एग्जाम लिख सकता है। याद रखना मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है कि अगर आपने 1 साल का इंटर्नशिप किया तो आप लाइसेंसिंग एग्जाम लिख सकते हो, लेकिन उनका जो प्रोग्राम डिजाइंड है वो है 5+2 ईयर का, यानी आप 2 साल की इंटर्नशिप आपको करना है, बट 1 साल बाद आप लाइसेंस एग्जाम लिख सकते हो। अगर आप पास कर गए आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पर ध्यान रखना, मैंने कहा कि मैंने 1 साल किया, एग्जाम दिया, पास हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, अब तो मैं डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर सकता हूं? नहीं कर सकते अगर आपको इजिप्ट के अंदर प्रैक्टिस करना है। अगर आपको इंडिया लौट के आना है तो आपको केवल और केवल इसी पर ध्यान देना है, क्योंकि NMC ने बोला कि आपके पास 1 साल का इंटर्नशिप और आपके पास वहां का लाइसेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यानी आप 1 साल बाद लिखेंगे, इसका यूजली जो रिजल्ट है वो 3 से 4 महीनों में आ जाता है। तो क्लियर हुआ, 1 साल के बाद मैं एग्जाम लिख सकता हूं, रिजल्ट 3 से 4 महीनों में आ जाएगा। अगर मैं पास हो गया तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया और मेरे NMC का रिक्वायरमेंट, मतलब 12 महीने का मेरा इंटर्नशिप और मेरा लाइसेंस सर्टिफिकेट हो गया। क्या बोलते हैं इस एग्जाम को? इसको बोलते हैं वो लोग फिजिशियन सिंडिकेट एग्जाम, नाम भी है फिजिशियन सिंडिकेट एग्जाम है, जो कि आप देते हैं। पूछते क्या है मेजरली इसमें जो पूछा जाता है, ये MCQ बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। पूछेंगे क्या इसमें जो पूछा जाएगा, 2 तरीके से पूछा जाएगा, एक रिटन पार्ट है और एक ओरल पार्ट है। तो MCQ क्या हो गया? रिटन पार्ट हो गया आपका, और ओरल में तो रिटन में क्या पूछ रहे हैं? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, और ओरल के अंदर आपको सारे के सारे क्लिनिकल पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सो ड्यूरेशन, एग्जाम कब लिखेंगे, रिजल्ट कब आएगा, पूछेंगे क्या और पूछने का पैटर्न क्या है, ठीक है।
तो अगर ये सब हो रहा है इसका मतलब मैं एनएमसी के क्राइटेरिया को मीट कर रहा हूं, क्योंकि पढ़ाई मेरी अंग्रेजी में है, कोर्स मेरा 5+1 साल का है, मुझे इंटर्नशिप मिल रहा है, मुझे लाइसेंस मिल रहा है। तो फिर कहाँ जाना है? जाने के तो ऑप्शन आपके पास 44 हैं, तो क्या सभी अच्छी हैं? सो अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, उनके यहां सबसे ज्यादा पॉपुलर है कायरो यूनिवर्सिटी और फिर है एंशियम्स। ये वहां की सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, दोनों पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के 200 साल हो गए, अगले 3 साल में हो जाएंगे, पर तौर से 1827 की बनी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को 75 साल हो गए, दोनों की दोनों कायरो में है और बहुत ही पॉपुलर है। इसके साथ जो हॉस्पिटल अटैच है कायरो के साथ, राइट, तो कायरो का जो हॉस्पिटल है उसका नाम है अल कसर अल एनीगर है। साल भर में 1.5 मिलियन पेशेंट्स को ट्रीट करता है, कितना? 15 लाख। एंशियंस का जो हॉस्पिटल है वो साल में पेशेंट को ट्रीट करता है 1 मिलियन, यानी कायरो के अंदर 25 लाख पेशेंट को ट्रीट यही कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे पेशेंट आ कहां से रहे हैं? तो आप हमेशा याद रखना, इजिप्ट जो है अफ्रीका का हेल्थ के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी हब है, ठीक है? तो पूरे अफ्रीका में और इनफैक्ट जीसीसी जो गल्फ कंट्री है हमारी, वहां से बच्चों को अगर मेडिसिन पढ़ना है या अफ्रीका के बच्चों को मेडिसिन पढ़ना है तो उनका सबसे पहला जो नेचुरल चॉइस है वो इजिप्ट है। अगर पूरे अफ्रीका रीजन में किसी को भी इलाज करवाना है तो सबसे पहले वो इजिप्ट ही आएगा और यहीं पर आएगा, इसलिए इतना सारा पेशेंट का इंफ्लो है। याद रखिए 2 ईयर्स ऑफ जो क्लिनिकल रोटेशन है, इंटर्नशिप है, वो और भी कुछ कंट्रीज के अंदर है, बट सबसे ज्यादा जो एक्सटेंसिव इंटर्नशिप जो है यानी पेशेंट को देखने का, वो दुनिया में इजिप्ट से ज्यादा कहीं नहीं है, ठीक है? दो यूनिवर्सिटी हो गई, कायरो एंशियंस, ये दोनों गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वहां का जो सिस्टम है वो क्या कहता है, कॉलेज पब्लिक भी हो सकता है और कॉलेज प्राइवेट भी हो सकता है, तो प्राइवेट पब्लिक दोनों है। अगर पब्लिक में जाना है तो आंख बंद करके इधर चले जाओ, अगर प्राइवेट में जाना है तो आप मिस्र जा सकते हैं जो वहां का सबसे टॉप रेटेड मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, यहां पर की मेडिकल फैकल्टी भी है। तीसरा चीज, पब्लिक जाना है तो कैसे जाऊं, क्या क्राइटेरिया है? तो एलिजिबिलिटी समझते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग एलिजिबिलिटीज हैं। तो अगर पब्लिक में जाना है तो मेरा परसेंटेज मोटे तौर पे 75% होना चाहिए, अगर मुझे प्राइवेट में जाना है तो 58% में भी काम चल जाएगा। तो ये 75% या 75% हाउ वी आर कैलकुलेटिंग, दे से इन योर 10th एंड 12th कलेक्टिवली, 10th और 12th में आपके 8 सब्जेक्ट होने चाहिए एक्सक्लूडिंग लैंग्वेज। सो अगर मैं इंडिया की बात करूं, 10th और 12th को जोड़ दूं और लैंग्वेज को हटा दूं तो मेरा 75% होना ही चाहिए। अगर मेरा उससे कम है और मेरा इजिप्ट जाने की इच्छा है तो मेरे पास प्राइवेट का ऑप्शन ही बनता है। दूसरी चीज, इन पब्लिक यू पे लेस फीस, यू पे हाई फीस। सो इजिप्ट के अंदर कोई भी मेडिकल कॉलेज अगर गवर्नमेंट है तो सबका फीस एक जैसा होगा, किसी में कोई फर्क नहीं है, बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर अलाउड टू डिसाइड देयर ओन फीस, जो कि 10,000 से 11,000 USD है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप अपनी कॉस्ट के कैलकुलेशन करेंगे तो अगर आप इंडियन हैं तो आप 6 साल करने वाले हैं, तो आप अपना इसके हिसाब से कैलकुलेशन करें। पब्लिक के लिए जाएंगे तो फीस 7,000 था, फर्स्ट ईयर में आपका फीस ज्यादा लगता है। एक चीज और इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर कंट्रीज में यू अप्लाई टू ए यूनिवर्सिटी, लेकिन इजिप्ट के अंदर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते हैं, आप सेंट्रल पोर्टल जो है उनका मिनिस्ट्री के अंदर अप्लाई करते हैं। फॉर सम रीजन आपने अप्लाई किया और आप जैसे बहुत सारे लोग कायरो चाहते हैं, तो आपने पहला चॉइस दिया था कायरो, दूसरा चॉइस दिया था एंशियंस। अगर आपसे पहले ज्यादातर लोगों ने कायरो चुना है और सीट खत्म हो गई तो आपको एंशियंस मिलेगा, ठीक है? इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कायरो मैंने डाला,
सीट नहीं है तो मैं रिजेक्ट हो गया, नहीं आपको सेकंड चॉइस भी भरना है, तो एंशियंस मिला, एंशियंस मेरा पहला चॉइस है, कायरो सेकंड चॉइस है। तो ये वैसे ही होगा जैसे इंडिया के अंदर काउंसलिंग सिस्टम, तो ये प्रेफरेंस वाली चीज है। अगर आप इजिप्ट जाने की सोच रहे हैं और अंदर जाए कम पैसे में पढ़े तो आपको टाइम से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी, हम कैसे जो है कैसे जाएंगे, कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, ये सारी चीजें हैं। नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं पढ़ूंगा कैसे, ठीक है। सो आई एम द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, छठा साल और सातवां साल आपका क्लिनिकल है, ठीक है। तो अगर ये क्लिनिकल है तो मैं सारा थ्योरी इधर पढ़ रहा हूं, ऑफकोर्स इसके अंदर मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग हॉस्पिटल्स में हो रही है, मैं प्रैक्टिकल भी कर रहा हूं, उसके अलावा मैं अलग अलग तरह की चीजों में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर अगर मैं बात करूं टोटल घंटे कितने हैं, सो यहां पर प्रिसाइसली आप 1500 घंटे पढ़ते हैं, योर क्लासरूम टीचिंग एज वेल योर हॉस्पिटल्स और प्रैक्टिकल। सेकेंड ईयर की बात करूं तो देयर 1487 आवर्स। थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं तो ये 2615 होता है, ये 1500 घंटे होता है फर्स्ट ईयर एंड द फोर्थ ईयर से मेन, सेकेंड और थर्ड ईयर 1400 है, उसके अलावा ये, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली जो आता है, जो कलेक्टिवली आता है वो आता है, ठीक है। तो ये टोटल जो आर्ट्स मैंने बताए ये क्लासरूम टीचिंग प्लस हॉस्पिटल्स के हैं सारे के सारे, तो आप वहां 8880 घंटे टोटल पढ़ते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए क्लासरूम के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर। इसमें से ये जो है वो आपके नॉन टीचिंग यानी हॉस्पिटल्स वाला है, ठीक है, ये हॉस्पिटल के अंदर है। तो करीब करीब आप 40% टाइम इन योर पांचवें साल तक, जब तक आप इंटर्नशिप में नहीं जाते हैं, आप क्लिनिक पेशेंट के साथ एक्सपोज होते हैं। अगर यही बात करूं मैं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर कितना है ये टाइम, इंडिया के अंदर यही टाइम ये है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर आप 8880 इसको मोटे तौर पे बोलो 9000, ठीक है, करीब करीब 9000 हो जाता है, और ठीक है कितना हो गया 2300, आप 2300 घंटे इजिप्ट के अंदर ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ज्यादा सीख रहे हो किसी इंडिया के मेडिकल कॉलेज के बच्चे से। ध्यान रखें इंडिया के अंदर हम 4.5 साल और 1 साल, तो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, मैं 4.5 ईयर्स और 1 ईयर ये कर रहा हूं, तो यहां पर मैं हॉस्पिटल जाता हूं, यहां पर भी मैं हॉस्पिटल जाता हूं, तो हॉस्पिटल के अंदर मिलने वाला एक्सपोजर दोनों जगह सेम होता है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, अच्छा एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, मैंने अगर MBBS इजिप्ट से किया तो क्या मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, नहीं होगा, क्यों, अकेले MBBS से आपका करियर नहीं बनेगा, तो करना क्या है, पीजी के रास्ते मेरे क्या खुल जाएंगे, तो पीजी के रास्ते आप क्या क्या खुलेंगे, आप इजिप्ट से भी पीजी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इजिप्ट से पीजी करना चाह रहे हो तो आपको ये 2 साल करना पड़ेगा, ठीक है, पैसा भी लगेगा टाइम भी लगेगा। दूसरा रास्ता है इंडिया का, तो नेक्स्ट की प्रिपरेशन करो, अगर आप US जाना चाहते हैं तो USMLE की प्रिपरेशन करो, और अगर आप UK जाना चाहते हैं तो MRCP और CLAB की प्रिपरेशन कर लो। पर ध्यान रखो इसको छोड़कर, क्योंकि यहां पर ये डायरेक्ट एडमिशन है, अगर मैंने MBBS इजिप्ट से किया तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली PG में चला जाऊंगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन है, मैं जो भी स्पेशलिटी लेना चाहता हूं मैं बिल्कुल ले सकता हूं, ठीक है, तो PG कर सकता हूं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। ये कौन लोग करेंगे, ये केवल वही लोग करेंगे जिनको कि मैंने बोला गल्फ कंट्रीज में जाना है, क्यों, क्योंकि गल्फ के अंदर सबसे ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो सप्लाई कहां से हो रहे हैं, वो इजिप्ट से हो रहे हैं। सो आप अकेला MBBS करते हैं तो गल्फ में जाके आप ऐसे कंसल्टेंट काम करते हैं, जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स होते हैं। अगर आप PG करते हैं तो PG करके क्या होता है, आप स्पेशलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स है, ध्यान रखिए
तीन साल का कोर्स है, मेडिकल पीजी जैसे इंडिया में होता है ठीक वैसे है, पर तीन साल का कोर्स है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो है आपको जान के होगा कि इजिप्ट से एमआरसीपी करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सक्सेसफुल हैं वो इंडिया से भी ज्यादा हैं। आप अगर एमआरसीपी का यूके गवर्नमेंट का एनएसएस का डाटा देखें तो वहां पर क्लियरली है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग द एमआरसीपी एग्जामिनेशन राइट दे आर मोर देन इंडिया, जबकि इंडिया का पॉपुलेशन इजिप्ट की पॉपुलेशन से कम 14-15 गुना है। इसका मतलब बहुत क्रेज है। ऐसा क्रेज क्यों है? बिकॉज जब कायरो यूनिवर्सिटी के अंदर 1827 में जब शुरू हुआ था उस वक्त भी जो इनिशियल डेज की पढ़ाई थी तो कायरो का के जो किंग थे वो वहां से सबको यूके भेजा करते थे डॉक्टर बनने के लिए, वो आज भी चला आ रहा है। तो वो क्रेज है, ठीक है। पाथ आप कोई भी चुन सकते हैं, पर याद रखिएगा तैयारी डे वन से करनी है अगर पीजी करना है, क्योंकि एमबीबीएस का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो अगर आप एमबीबीएस इन इजिप्ट सोच रहे हैं, आपको कोई भी डाउट है कौन सी यूनिवर्सिटी जाऊं, क्या फीस है, कैसे होगा, मैं हूं या नहीं हूं, इसके बारे में मुझे और डिटेल बताइए, तो आप मोक्ष के काउंसलर को फोन मारो, वो आपको सारी की सारी चीजें बताएंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मोक्ष के एमबीबीएस इन इजिप्ट के पेज पर भी मिल जाएगी, और जो ना मिले उसके लिए मोक्ष के एक्सपर्ट जो काउंसलर्स हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको लगता है आपके काम की है, इससे आपको कोई वैल्यू मिला, इस साल नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप रिपीटर हो सकते हैं, फ्रेशर हो सकते हैं, हो सकता है आपका इंडिया में स्कोर ना आ रहा हो, अगर आप डिसाइड करते हैं तो इस जो वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग में मदद मिले। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग मोक्ष चैनल।